आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने क्या मांगे रखी हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। दर्जनों की संख्या में जिला मुख्यालय पर मौजूद है सभी लोग आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है जिसमें उनकी 3 सूत्रीय मांगे हैं। यूपी पुलिस भर्ती के अलावा कुल 3 सूत्रीय मांगों को रखा गया है और मौजूदा सरकार से मांग की है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, जिसके लिए सरकार से मांग की है। जिला मुख्यालय पहुंचकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों को रखा है, जिसमें कहा गया है कि यूपी पुलिस भर्ती में जिस तरह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है और सरकार ने पुनः दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, जिस पर कहना है कि सरकार के द्वारा यूपी पुलिस भर्ती को लेकर फीस के रूप में जमा राशि की गई उसको माफ किया जाए और पूर्ण रूप से यात्रा भी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क की जाए जिसमें गरीब तबके के बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो और वे पुनः दोबारा यूपी पुलिस में अपना भविष्य आजमा सके। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने मीडिया से क्या कुछ कहा, ये जरा आप भी सुनिए। आपने रेवेन्यू ऑफिसर को एक ज्ञापन सौंपा है, किस मांग को लेकर? जय हिंद। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज जो मैं जिला मुख्यालय मैनपुरी में उपस्थित हूँ और जो रेवेन्यू अधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा है उसका बहुत मुद्दा छोटा है, सरकार के लिए बहुत छोटा है लेकिन हम जनता के लिए बहुत बड़ा है। क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अमीर बच्चे तो नहीं जाते, गरीब बच्चे पढ़ते हैं रात रात भर, सारी रात जागते हैं, जागने के बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, लाइफ बनाने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे अधिकारी के लिए आर ओ ए आर ओ की कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता, ऐसा क्यों? ये सरकार की अनदेखी है, लापरवाही है। मैं आम आदमी पार्टी से जिलाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक निवेदन है महामहिम राज्यपाल महोदय जी से।